सिर्फ और सिर्फ जनता के सवालों को लेकर सदन के अंदर आवाज उठाते हैं, जनहित के मुद्दे पर सदन में संघर्ष करते हैं। हम किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि डर तो रही है सरकार जो सवालों से भाग रही है। मतलब मंत्री खड़ा होता है किसी सवाल पे, जवाब देता है किसी सवाल पे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कल भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि बीजेपी मुझसे डरती है, मेरा सामना नहीं करना चाहती है, इसीलिए सदन का वॉकआउट कर देती है। इसी को लेकर जब हमने बीजेपी के MLC संजय मयूख से बात की तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी से भी नहीं डरती है। और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के MLC संजय मयूख, पहले आप वो सुने। सदन झूठ बोलने के लिए है क्या? बिल्कुल सत्य से परे बयान सरकार देती है। कहीं से भी सरकार जनहित के मुद्दे पर सदन का सामना नहीं करना चाहती, गोल मटोल जवाब होते हैं, जवाबों में संचिकाओं का जवाब होता है। मतलब मंत्री खड़ा होता है किसी सवाल पे, जवाब देता है किसी सवाल पे। तो ये पूरी तरह से ऐसी स्थिति आ गई है बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद के अंदर कि सरकार आत्मसमर्पण की मुद्रा में है। इसलिए हम तो सवाल करेंगे ही, और जहाँ तक वॉकआउट करने का सवाल है तो जो रिपोर्ट पेश किए जा रहे हैं वो बिल्कुल झूठे रिपोर्ट हैं। सरकार सच्चाई से भाग रही है। तो क्या लगता है तेजस्वी यादव ने जो कहा है कि आप लोग डरते हैं, क्या उनसे? हम सिर्फ और सिर्फ जनता के सवालों को लेकर सदन के अंदर आवाज उठाते हैं, जनहित के मुद्दे पर सदन में संघर्ष करते हैं। हम किसी से नहीं डरने वाले, क्योंकि डर तो रही है सरकार जो सवालों से भाग रही है। गृह मंत्रालय पर भी चर्चा नहीं होनी है। तो आपने साफ तौर पे सुना, जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने कल भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला बोला, जिसके बाद बीजेपी के द्वारा बयान सामने निकल कर आया है और साफ तौर पे बीजेपी के MLC संजय मयूख ने कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी किसी से डरती नहीं है, सरकार जवाब देना नहीं चाहती है, इसलिए जबरन तमाम बीजेपी के विधायकों और विधान पार्षदों को सदन से वॉकआउट करना पड़ता है। और उनका यह भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी बस जनता से डरती है, क्योंकि जनता ही उन्हें सदन भेजती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से तेजस्वी यादव के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा हमला बोला है, तो ऐसे में महागठबंधन के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल, अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।